हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में आयरन फार्म कैसे बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको 5x5 का 7 ब्लॉक डीप होल कर देना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है, देन कुछ इस तरह से दो ब्लॉक तोड़ना है जैसे मैं तोड़ रहा हूँ। आप कॉर्नर के ब्लॉक को छोड़ सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 20 बेड लगाने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप वैसे ही लगाइएगा। तो गाइस, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना है बेड के जस्ट ऊपर। तो गाइस, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह से डिग करना है चारों साइड। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 20 फ्लेचिंग टेबल लगाना है कुछ इस तरह से। अब आपको 20 विलेजर चाहिए, आप सर्वाइवल में इन्हें ब्रीड भी करवा सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपके फार्म में छोटा विलेजर और एक ग्रीन टी शर्ट वाला विलेजर रहेगा तो आपका फार्म ठीक से वर्क नहीं करेगा। अब विलेजर के जस्ट ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होंगे। प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक लेयर सब जगह से डिग करना है चारों साइड से। अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब आपको यहाँ पे दो ब्लॉक कुछ इस तरह से प्रेस करना है, उसके ऊपर वाटर डाल देना है, देन यहाँ पे एक ब्लॉक का जगह बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो ब्लॉक कुछ इस तरह से डिग करना है, देन आपको यहाँ पे डबल चेस्ट प्लेस करना है, देन आपको इधर साइड का ब्लॉक तोड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेस्ट को अटैच करके एक हॉपर लगाना है, देन आपको यहाँ पे एक स्लैब लगाना है, उसके बाद एक ब्लॉक लगाना है। स्लैब के ऊपर एक साइन बोर्ड आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फेंस गेट लगाना है, देन आपको इसके पीछे दो ब्लॉक बिल्ड करना है। उसके बाद आपको फेंस गेट को खोलना है, देन उसके ऊपर आएगा साइन बोर्ड, देन आपको इधर दो साइन बोर्ड प्लेस करने हैं। सो ये सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लावा प्लेस करना है। बस आपको इतना ही करना और आपका फार्म बन जाएगा। सो गाइज, आप यहाँ पे एफके स्पॉट भी बना सकते हो। सो गाइस, 5 मिनट एफके करने के बाद मुझे 46 आयरन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।